नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैंने इसलिए किया क्योंकि आज मैंने जो परफ्यूम लगाया है ना, उसकी फ्रेग्रेंस मेरी फेवरेट है और वो परफ्यूम मेरा फेवरेट है। तो अगर आप भी परफ्यूम का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत तक देखकर ही आपको पता चलेगा कि आखिरकार आपको ये बिजनेस शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और अगर आप ये बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको कितनी लागत लगानी पड़ेगी और आपको कितना मुनाफा होगा। तो चलिए, उससे पहले आपको बता दूं कि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, कमेंट बॉक्स पे आपको लिखना है कि किस तरह के वीडियोस आप और देखना चाहते हैं बिजनेस से रिलेटेड। और साथ ही साथ आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन दबाइएगा। तो चलिए बिना देर की शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की और आपको बताते हैं कि कैसे आप परफ्यूम का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम गुजरते हैं और कोई शख्स हमारी से होके गुजरता है तो उसकी खुशबू जो है ना कि वाह यार, ये कौन सी क्रीम लगाई है या कौन सा पाउडर लगाया है या कौन सा परफ्यूम लगाया है, क्योंकि परफ्यूम की फ्रेग्रेंस जो होती है लॉन्ग लास्टिंग होती है, बहुत देर बाद जाती है, जबकि पाउडर क्रीम इन सब की फ्रेग्रेंस जो होती है वो थोड़ी देर में चली जाती है। लेकिन इस बिज़नेस को कैसे शुरू किया जाए उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। परफ्यूम बनाने में इस्तेमाल होने वाला रॉ मटेरियल। परफ्यूम को बनाने के लिए कई तरह की सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है और इन सामग्री की मदद से एक खुशबू को तैयार किया जाता है। परफ्यूम को बनाने में इस्तेमाल होने वाली सभी सामग्रियां आसानी से बाजार में मिल जाती हैं। शराब। परफ्यूम को बनाने में शराब का काफी इस्तेमाल किया जाता है। हर तरह के परफ्यूम में अल्कोहल जरूर पाई जाती है, हालांकि हर परफ्यूम में अल्कोहल की मात्रा अलग अलग होती है। फूल। परफ्यूम को बनाने में फूलों के रस का इस्तेमाल किया जाता है और परफ्यूम की बोतल में 15 से लेकर 30% तक फूलों का रस डाला जाता है। फूलों के अलावा घास, कई तरह के मसाले, कई तरह के फल, लकड़ी, रेजिन, बाल्सम, पेट्रोकेमिकल्स, कोयला, कोयले के तार, पत्तियों का भी उपयोग परफ्यूम में बनाने के दौरान किया जाता है। पशु पदार्थ। पशु स्राव यानी एनिमल सीक्रेशंस का इस्तेमाल भी परफ्यूम बनाने की प्रक्रिया के दौरान होता है। पशु पदार्थ का प्रयोग अक्सर फिक्सडेटिव के रूप में किया जाता है। फिक्सडेटिव की मदद से परफ्यूम में डाली गई चीजें एक साथ चिपकी रहती हैं और ये इत्र का विष्पित यानी इवेपोरेट करने में सक्षम बनाता है। सिंथेटिक रसायन। कई तरह के कृत्रिम रसायनों का प्रयोग भी परफ्यूम बनाने में होता है और रसायनों की मदद से उन फूलों और पौधों की खुशबू तैयार की जाती है जिनमें प्राकृतिक तेल नहीं निकलता है। 250,000 फूलों और पौधों की प्रजातियों में से लगभग 2,000 ही ऐसे फूलों और पौधों की प्रजातियां हैं जिनमें से प्राकृतिक तेल निकाला जा सकता है। लिली फूल भी उन्हीं फूलों में से एक है जिसमें प्राकृतिक तेल नहीं होता है और इस प्रकार के फूलों की खुशबू बनाने के लिए कृत्रिम रसायन का उपयोग किया जाता है। परफ्यूम बनाने में प्रयोग होने वाली मशीन और उनके दाम। परफ्यूम तैयार करने के लिए अलग अलग तरह की क्षमता वाली मशीनें बाजार में मिलती हैं। अगर आप ज्यादा क्षमता वाली मशीन लेते हैं तो वो आपको थोड़ी महंगी पड़ेगी, जबकि कम क्षमता वाली मशीन थोड़ी सस्ती पड़ेगी। इसलिए आप अपने बजट के हिसाब से परफ्यूम बनाने वाली मशीन को खरीदें। कहां से लेनी है उसके दाम परफ्यूम बनाने में इस्तेमाल होने वाली मशीन को आप लिंक पर जाकर खरीद सकते हैं और साथ ही इन लिंक पर आपको इन मशीनों के प्राइस के बारे में भी जानकारी दे दी गई है। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। परफ्यूम भरने की मशीन। परफ्यूम बनाने के बाद उनसे बोतलों में भरने के लिए फिलिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और ये मशीन भी कई तरह की होती है। इस प्रकार की मशीन को आप इस लिंक पर जाकर खरीद सकते हैं। ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब पैकेजिंग की बात करते हैं तो परफ्यूम की बोतलों को बनाने के लिए आपको बोतल बनाने वाले किसी कंपनी से संपर्क करना होगा, उस कंपनी से अपनी परफ्यूम की बॉटल को बनवाना होगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना। अपनी परफ्यूम कंपनी को स्टार्ट करने से पहले आपको अपनी कंपनी के नाम का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, इसलिए आप पहले से ही अपनी परफ्यूम कंपनी के लिए नाम को चूज कर लें। कंपनी का पंजीकरण करवाने से पहले आपको ये भी तय करना होगा कि आपका बिजनेस सोलो प्रोपराइटर, पार्टनरशिप, कॉरपोरेशन और लिमिटेड लायबिलिटी में किस तरह का होगा। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा समझ नहीं है तो आप किसी वकील या फिर किसी अकाउंटेंट से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आपको परफ्यूम बनाने के लिए कई फॉर्मूलों की जरूरत पड़ती है, इसलिए आप उन्हीं लोगों को रखें जिन्हें परफ्यूम क्षेत्र में अच्छा अनुभव हो। उन लोगों के अलावा आपको परफ्यूम की पैकेजिंग जैसे कार्यों के लिए भी कई लोगों को नौकरी पर रखना होगा। अब बात है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है बिजनेस में सावधानी। परफ्यूम एक ऐसी चीज है जिसमें आसानी से आग लग जाती है, इसलिए आपको परफ्यूम तैयार करते समय काफी सावधानी के साथ काम करना पड़ता है। साथ ही तैयार की गई परफ्यूम की बॉटल्स को भी आपको किसी ऐसी जगह पर रखना होगा
जहां पर आग के उपकरण ना हो, और अपनी फैक्ट्री में आप अग्निशमक यानी फायर एक्सटिंग्विशर उपकरणों को भी जरूर लगवा लें। तो देखा आपने, परफ्यूम लगाया आपने कई बार होगा, लेकिन शायद बिजनेस का आइडिया आपको नहीं आया होगा, या फिर आया भी होगा तो आपको लगा होगा कि पता नहीं इसका बिजनेस किस हिसाब से चलता है। तो आपको हमने पूरी डिटेल में बता दिया है। इसके अलावा कोई भी आपके मन में शंका है, कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उसको जरूर सॉल्व करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।